जॉनी से बेटर नहीं है कोई न्यू कोच एंड न्यू एनालिस्ट का आपको किसी ने जेजी को बिठाया था एंड व्हाई कोच लेफ्ट गॉड लाइक मी का फेयरवेल हो गया बट स्पावर का फेयरवेल हो गया बट स्पावर गॉड लाइक में नहीं आ रहा मतलब अपना लाइनअप फिक्स है तो वो वाला मत सोचोगे कोई स्पावर आ रहा है एंड ऑल कर लेंगे भरोसा रख दो जैसे अभी जो न्यू टीम है जैसे पंक एंड एडमिनो जॉनी देखो अभी के 6 लोग बता देता हूँ अभी जो अपने 6 मैन है वही रोस्टर रजिस्टर हो चुका है बीएमपीएस में तो अभी बीएमपीएस में सेम लाइनअप खेलेगा और सिंप है अगर कोई अच्छा नहीं खेलता तो सिंप खेलेगा मतलब वो शफल करते रहेंगे अगर नहीं ज़्यादा है तो क्योंकि अभी इन चारों को भी एक दूसरे के ऊपर जो भी खेले इतना दिन से है कॉन्फिडेंस तो फिर कोई नया आएगा फिर से वही पुराना सीन की हाँ नहीं न्यू एंड ऑल तो वो नहीं चाहिए था तो देखो कोच वही आ गए मतलब उन्होंने हमेशा ट्राई किया था टीम को मोटिवेट करने का एंड बहुत सारा मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे स्टार्टिंग में और जब तक गए तब तक अच्छा ही था बट थोड़ा सा वो ये लिख रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है परफॉर्मेंस आ जाएगा इस तो वो फिर वन मोर एलिमिनेशन नहीं होगा लिख के देता हूँ बीएमपीएस का फाइनल भी खेल लेंगे इसी टीम के साथ कोच का बता देता हूँ मैं तो उनका हुआ ऐसा मैं तो रहता नहीं था टीम के साथ मैं अलग से रहता था फिर टीम में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था और फिर मेरे को टीम मीटिंग वगैरह ले लिया मैंने तो मेरे को बोल दिया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो मैंने सेम डे फिर पॉटर भाई और कोच भाई को मुंबई भेज दिया मतलब घर भेज दिया कि अभी तो टीम के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि मेरे को वो टाइम पे 4 लोगों को साथ में रखना था मतलब 5 प्लेयर को साथ में रखना था मेरे को वो नहीं चाहिए था कि किसी भी एक पर्सन की वजह से या किसी की भी वजह से टीम में प्रॉब्लम हो क्योंकि अल्टीमेटली टीम उधर खेल रही थी मतलब टीम तो टूर्नामेंट खेलना था अगर बीच टूर्नामेंट में मैं नहीं कर सकता ना हाँ ठीक है चलो लड़ाई झगड़े सॉर्ट करते हैं एंड बाकी चीज़ें ये करते वो तो नहीं कर सकते थे सीन क्या इंटरनल थोड़ी बता सकता हूँ भैया क्या हुआ क्या नहीं बट एक था एक मोमेंट आया था ऐसा कि नहीं जा रहा था अच्छा मतलब एक दूसरे के साथ जम नहीं रहा था उसमें प्रॉब्लम बोल सकते हो मतलब हुआ था थोड़ा सा सीन एक फिर उस चक्कर में मेरे को वो डिसीजन वो टाइम पे लेना पड़ा और उसमें प्लेयर्स में मतलब हम पांचों का ही डिसीजन था 6 प्लेयर का मतलब 5 प्लेयर और मैं हमने मिलकर वो डिसाइड कर लिया एंड देन फिर पंग भी बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है वी नीड विनिंग लाइनअप नॉट एवरेज लाइनअप यस और सीओडीएम का देखो कल अगर आपने देखा होगा मैच मतलब मैं भी देख रहा था तो कथा पावर का 3 साल से ये दे रहे हो इतना इम्प्रूव करना है और अभी बीएमपीएस के टाइम में तुमको टीम के साथ एक दो लोग दिखेंगे एक्स्ट्रा जो उनके लिए काम कर रहे हैं मैं अभी रिवील नहीं करूंगा बट बीएमपीएस से पहले आपको दिख जाएगा वो चीज़ उनके साथ कोई काड़ी सुनिंदा जो खुद से बोला था कि अमर भाई और मतलब वो खुद ही बोला था कि मैं बेंच होता हूँ आप ये टीम ट्राई कर लो तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने जेजी को बिठाया था एंड ऑल जाना था नहीं इसीलिए गॉड लाइफ चल रही है ब्रो बस जॉनी की वजह से ही चल रही है अकेले इंसान की वजह से नहीं चलता ब्रो और बहुत सारे लोग होते हैं और सबकी टीम मेहनत होती है उसमें कोई भी इंसान अकेला थोड़ी ये कर सकता है कोई नहीं कर सकता ऐसे बट यस फैन फॉलोइंग में बोल सकते हो कि जॉनी से बेटर नहीं है कोई इंडिया में तो कोई नहीं है न्यू कोच एंड न्यू एनालिस्ट का आपको अपडेट मिल जाएगा बीएमपीएस से पहले ही ना भरोसा रख दो बस वाई कोच लेफ्ट गॉड लाइक मैंने बोल दिया मतलब कुछ ऐसे सीनरी हुए थे कि हम नहीं कर सकते थे कंटिन्यू एक दूसरे के साथ क्योंकि वो टाइम पे मेरे को टूर्नामेंट को प्रायोरिटी देना था और प्लेयर्स को रुकना था साथ में